बैकुंठपुर के शाहपुर में प्रकृति संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने की बात कही। उनका कहना था प्रकृति से भेदभाव हमारे लिए काफी भारी पड़ेगा, प्रकृति से खिलवाड़ हमें नहीं करना है, प्रकृति से मिलकर हमें काम करना है। प्रकृति संरक्षण शोध संस्थान समिति द्वारा प्रकृति संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन बैकुंठपुर के शाहपुर में किया गया। जनपद सदस्य महिला बाल विकास अध्यक्ष सीमा त्रिपाठी ने प्रकृति से खिलवाड़ न करने की बात कही। उनका कहना था प्रकृति के साथ मिलकर हमें काम करना है, ईश्वर ने बहुत सोच समझकर ये प्रकृति बनाई है। आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में कभी भूखम आ जाता है तो कभी बाढ़ आ रही है। प्रकृति का सार समझिए और प्रकृति क्या है, प्रकृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इस बात को सबको समझना पड़ेगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, जल अग्नि वायु ये सब प्रकृति में ही आते हैं, इनको एक किसी भी तरीके से प्रदूषित ना किया जाए तो मानव जीवन खुशहाल हो सकता है। हमें पेड़ों से शुद्ध हवा मिले तो कोरोना जैसी बीमारी भी हमारे आसपास नहीं आ सकती थी, जिसने इस देश दुनिया को काफी परेशान करके रखा था। ऐसे में युवाओं को जागरण कर गांव जाकर समझाना और बताना जरूरी है, पेड़ लगाइए, पेड़ है तो हमारा कल है, आने वाली पीढ़ियां सुंदर जागरूक और सजग हो सकें। खुशबू मिश्रा ने कहा, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, बेटियों को समाज यदि कम आंकने की भूल कर रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, प्रकृति संरक्षण का काम सर्वाधिक बेटियां ही कर सकती हैं। बेटियां भविष्य की वह ऊर्जा हैं, वह ताकत हैं जो विश्व में भारत के इतिहास का नाम गौरवान्वित करेंगी। वक्ताओं का कहना था संघ शक्ति कलयुगे या युवाओं की शक्ति जब एकत्रित होती है तो देश दुनिया में कहीं भी किसी भी को कार्य को करना असंभव नहीं होता। ऐसे में प्रकृति संरक्षण तो एक छोटा सा काम है, हमें केवल इतना करना है, हमें एक पेड़ लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था प्राकृतिक रूप से ही नहीं सामाजिक रूप से भी हमें करनी होगी, उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होती है, बड़ी आवश्यकता है। प्रकृति से ही सब निहित है, प्रकृति में ही सब विघटित है, उस प्रकृति का संतुलन के लिए हमें संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। वासुदेव कुटुंबकम की अपील की और प्रकृति के पंचभूतों में ही मानवता निहित है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही कुछ कहना था। शाहपुर गांव में इस कार्यक्रम के संयोजक फौजी सिपाही अंकित मिश्रा ने कहा, सब कोई मिलकर प्रकृति संरक्षण के लिए काम करें, निश्चित रूप से प्रकृति को हम सजा संवार सकते हैं। फौजी देश की सरहद की रक्षा करता है, अपने शहर गांव की हिफाजत कर सकता है। आप सबको केवल एक काम करना है, अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाइए, किसी का बर्थडे हो, कोई कार्यक्रम हो, पेड़ जरूर लगाइए। अगर आप किसी अपने अच्छे समय में अच्छे दिन में पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस पेड़ की देखभाल करेंगे, जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा हमें आपको पूरे समाज पूरे शहर को ऑक्सीजन देगा, जो कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। प्रकृति हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज प्रकृति संरक्षण शोध संस्थान के तत्वावधान में प्रकृति को परिवार का एक भिन्न अंग बताया गया। मुख्य रूप से मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को एवं सभी श्रोता बंधुओं को ये सूचित करना चाहूँगा कि अपने जीवन में प्रकृति की रक्षा ही मानव रक्षा के बराबर है, प्रकृति से ही मानव रक्षा संभव है। अपने जन्मोत्सव का कार्यक्रम या वैवाहिक वर्षगांठ का कार्यक्रम इन्हें यादगार बनाने के लिए और इसी बहाने प्रकृति की रक्षा हो जाए, इसलिए एक एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि जल का सही उपयोग, आज समाज में जल का दुरुपयोग देखने को मिलता है, जिससे मन में बड़ी ग्लानि होती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव का संरक्षण है।